हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पल्लवीज कुकिंग कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाय बनाने का अनोखा और स्पेशल तरीका। अब आप कहेंगे कि चाय बनाने में क्या है, वो तो हम सब झट से ही बना लेते हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अक्सर हम जो चाय बनाते हैं वो इतनी अच्छी नहीं बनती, ऐसा नहीं लगता कि एक चुस्की में ही मज़ा आ जाए। आज की चाय बहुत ही स्पेशल चाय है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक भगोना रखा है और उसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने दिया। उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप दूध। यहाँ पर मैं 3 कप चाय बना रही हूँ इसलिए मैं 3 कप दूध इसमें डाल रही हूँ। तो गाइस, हम जो हमेशा चाय बनाते हैं तो पहले हम पानी, चाय पत्ती और शक्कर डाल के उसे उबलने देते हैं और उसके बाद में दूध डालते हैं। लेकिन ये जो चाय है बहुत ही स्पेशल है और पूरी दूध से बनने वाली है। अब इसमें जो एकदम स्पेशल है वो है गुलाब की पंखुड़िया। जी हाँ, गुलाब की पंखुड़िया का जो स्वाद आता है गाइस, सच में आप बाहर की चाय पियेंगे नहीं, इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी ये चाय बनती है। बस एक चुस्की ले तो ऐसा लगता है कि बस मज़ा आ गया। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। तो 2 हरी इलायची मैंने यहाँ पे ली है, लेकिन कूट के नहीं डाली है, बस तोड़ के ही डालनी है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच चाय पत्ती। आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाय पीते हैं तो थोड़ी सी चाय पत्ती आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। रोज़ रोज़ वही स्वाद की चाय पी के हम बोर हो जाते हैं और फिर चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता। लेकिन ये जो तरीका है, आप इस तरीके से चाय बना के देखेंगे तो सच में आप भूल जाएंगे बाकी के सारे तरीके। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच चीनी। अगर आप मीठी चाय ज़्यादा पीते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी इसमें बढ़ा भी सकते हैं। इसे मिला लेंगे और अब अच्छे से इसे उबलने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से हमारे चाय में उबाल आ गया है। लेकिन हमारी चाय अभी तक रेडी नहीं हुई है, जो उसका स्पेशल पार्ट है वो तो आगे है, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि मेन सस्पेंस जो है अभी तक तो बाकी ही है। अब हम इसमें डालेंगे चाय मसाला। तो ये रेडीमेड चाय मसाला जो मार्केट में मिलता है वही है। तो 1/2 चम्मच मैंने इसमें चाय मसाला ऐड कर दिया है और इसे मिला लेंगे और फिर से इसे एकदम अच्छी तरह से खोलने देंगे। हमने जो चाय है फ्रेंड्स पूरे दूध से बनाई है, लेकिन अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो आप पानी भी डाल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे दूध से ही बनाई है, लेकिन दूध से जो चाय बनती है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गाढ़ी बनती है, इसलिए मैंने पूरी दूध से बनाई है क्योंकि मेरे घर पर पूरी दूध वाली चाय पसंद है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से इसको उबाल आ गया है। अब जो है उसका जो स्पेशल पार्ट है वो करेंगे। तो आपने कभी सुना है कि चाय को तड़का लगता है, लेकिन जी हाँ, तड़के वाली चाय तो आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने दूसरे भगोने में डाला है 1 चम्मच बटर। अमूल का सॉल्टेड बटर है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे कूटी हुई 4 से 5 बादाम। बादाम और बटर का जो तड़का लगता है फ्रेंड्स, सच में ये जो चाय है ना वो इतनी बढ़िया है कि एक चुस्की में आप सारे टेंशन, सारी थकान और सारा स्ट्रेस भूल जाएंगे। इतनी बढ़िया ये चाय बनती है। तो ये जो बादाम है वो हम इसमें रोस्ट करेंगे थोड़ी देर। अब आप कहेंगे कि सच में क्या चाय को तड़का लगता है, लेकिन हाँ गाइस, सच में चाय को तड़का लगता है और तड़के वाली जो चाय है सच में बहुत ही लाजवाब लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। अब जो हमने चाय बनाई थी उसे हम छान के इस तड़के में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से सारी चाय को हम इस तड़के में डाल देंगे और फिर से हमें इसे बढ़िया से खोलने देना है, बहुत अच्छे से इसे उबाल आने देना है और उसके बाद जो है हमारी चाय रेडी हो जाएंगी। तो गाइज, अगर आपको ये चाय वाली रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी को शेयर भी कीजिए। तो ये देखिए बढ़िया से इसे उबाल आ गया है, एकदम अच्छी तरह खोलने लगी हमारी चाय और इसमें जो गुलाब का फ्लेवर है गाइस वो तो बहुत ही लाजवाब है। तो मैं तो ये स्पेशल चाय कुल्हड़ में पीने वाली हूँ इसलिए मैं इसे कुल्हड़ में सर्व करूँगी। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे स्पेशल अनोखा और एकदम बढ़िया सी चाय हमारी रेडी हो गई है। तो मैंने इसे गुलाबी नाम दिया है क्योंकि हमने इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली है इसीलिए। तो ये गुलाब का जो फ्लेवर है गाइस वो भी बहुत ही बढ़िया आता है इसमें। तो ये चाय आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चाय कैसी लगी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।